वहां पर किस तरीके से कोरोना को लेकर झूठ फैलाया गया। चीन का एक और झूठ यह है कि कोरोना फैलने की झूठी तारीख बता रहा था चीन। ब्रिटेन के केंच यूनिवर्सिटी की रिसर्च में दावा किया गया है 17 नवंबर 2019 को आया था दुनिया में पहला कोरोना का मामला। चीन ने दिसंबर 2019 में पहले केस की जानकारी दी, जबकि नवंबर में ही वहां केस आ चुका था। नवंबर दिसंबर ये पर्याप्त वक्फा था, और आपको यह भी मालूम होगा उस दौरान फ्लाइट्स रिस्ट्रिक्ट नहीं की गई थी, बल्कि वुहान से खूब फ्लाइट्स निकल रही थी, बाकी जगहों से निकलें ना निकलें तो क्या पहले ही वहां कोरोना का एक छोटा सा विस्फोट करके कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन जिसको कहते हैं, ताकि आरोप ये ना लगने पाए कि आपके यहां तो कुछ नहीं हुआ, कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन किया गया और उसमें यह सुनिश्चित किया गया कि तब तक दुनिया भर में पर्याप्त इसका प्रसार हो सके। डॉक्टर रवि गोडसे, और अभी जाहिर है जब तक हाथ में सबूत नहीं है तो जो सामने दिखाई दे रहा है अनुभव के आधार पर, जितना आपके पास अनुभव एक एक्सपर्ट के तौर पर है वो हमारे लेमैन के अनुभव से ज्यादा सही होगा। लिहाजा मैं ये बात कर रहा हूं कि सर क्या पर्याप्त वजहें हैं ये मान लेने की कि एक तरह का ये बायो वेपन है और ये बायोवार है छेड़ा गया चाइना की तरफ से? दावे के साथ तो नहीं कह सकते। सोचने वाली बात यह है कि वुहान से निकला हुआ वायरस झुमरी तलैया में है, पटना में है, पिट्सबर्ग में है, लेकिन बीजिंग में नहीं है। ये सोचने वाली बात है। लेकिन सबूत के सिवा हम क्या कर सकते हैं? हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 12% बजट चाइना से आता है। अगर चाइना कादर खान है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शक्ति कपूर है, उनके तरफ ध्यान देने में कोई पॉइंट नहीं है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हम लोग भी है, मेरा ये मानना है कि ये जो पूरी दुनिया है सिर्फ बातों के शहर है, कुछ करेंगे नहीं। चाइना को क्या फर्क पड़ता है? हम लोग बैठ के बातें करेंगे, एक दूसरे पे व्हाट्सएप करेंगे, ये षड्यंत्र है। अगर हमको सच्ची लगता है षड्यंत्र है तो कुछ करो ना, कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशन बंद करो। एम्बेसी अभी भी चालू है, चाइना अभी भी हमें शांति से सेफ्टी पेन, बॉल पेन, सब मशीन, सब चीज़ें बेच रहा है पूरे दुनिया को, सिर्फ बात करते रहेंगे। क्विकली एग्जाम्पल दूंगा हिस्ट्री का। 1936 में एक आदमी था एडॉल्फ हिटलर करके, उसने माइन काम करके बुक लिख दिया, उसमें सब बोल दिया था मैं क्या करूँगा, पोलैंड पे हमला करूँगा, रशिया पे करूँगा, फ्रांस पे करूँगा। दुनिया ने क्या किया, उसका नोबेल पीस प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया नाम। ये ज़्यादा लोग जानते नहीं है, 1936 में एडॉल्फ हिटलर वॉज शॉर्टलिस्टेड फॉर नोबेल पीस प्राइज। बात करते रहे 36, 37, 38, 39 में 1 सितंबर को जब हिटलर ने खुद हमला किया पोलैंड पे, तब ये जंग चालू हुई। ये बाकी जो दुनिया के जो लोग हैं, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि ये दुनिया विलेन से पहले भी भरी हुई थी, आज भी भरी हुई है, और अगर विलेन पकड़ा जा रहा है तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही? हम कब तक ये बात करते रहेंगे कि वहां से आया है, नहीं आया है, फेक है, रियल है? आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन सर अगर प्रूफ्स नहीं निकल रहे हैं, चाइना बाहर नहीं आने दे रहा है इन्फॉर्मेशन को, ना WHO की टीम वहां जाती है तो उनको वहां पहुंचने तक नहीं देते जहां पर उनकी लैब्स हैं, अगर ऐसे में डॉक्टर अंशुमान आपको इसको सब्सटेंशिएट करना है, ताकि क्योंकि ये इस दुनिया में व्यवस्था भी कोई चीज़ है, आप अपने अजम्पशन पर कोई चीज़ मानकर कहीं चढ़ नहीं दौड़ते, अगर इसको सब्सटेंशिएट करना है तो क्या दुनिया के पास पर्याप्त चीज़ें हैं या बगैर चीन में गए सबूत खोदे काम नहीं चलेगा? बिल्कुल, पहले तो जो आपने बात कही, देखो WHO से इनका कोलैबोरेशन बहुत स्ट्रांग कोलैबोरेशन चाइना का रहा। डॉक्टर टेड्रोस इन्हीं के स्ट्रांगली सपोर्ट के कारण WHO को चीफ बने थे, और डॉक्टर टेड्रोस की पास हिस्ट्री आप उठाएंगे, इथियोपिया में जब हेल्थ मिनिस्टर थे तब भी उनके क्रेडेंशियल्स ऐसे थे, इन्फेक्टिव डिजीजेज कंट्रोल में उनका बहुत गलत डिसीजन रहा, ये सबको मालूम है। डॉक्टर टेड्रोस ने पहले कहा था बैट थ्योरी उन्होंने लाई थी, जबकि बैट थ्योरी गलत थी। पहला केस, जीरो केस जो भी था वो बैट मार्केट नहीं गया था, जिसको वेट मार्केट कहते थे, बैट का कोई धंधा ही नहीं था वहां पे। ये 300 मीटर अवे है वुहान सिटी जो लैब है उससे, और एयरबॉर्न का कॉन्सेप्ट उस समय आ गया था, वही छुपाया गया, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन WHO के द्वारा छुपाया गया। ये सारे जेम्सन पिछले साल से चल रहे हैं, लेकिन पिछले साल इंडिया चिल्ला रहा था, इंडिया के बाद लोग ये समझते थे डिप्लोमेसी खराब है इसलिए बोल रहे हैं। अब क्योंकि जो बिडेन ने कहा है, ट्रंप ने भी जब कहा था तो ये हुआ इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, जो बिडेन ने जब ये बात कह दी तब हुआ कि 90 डेज के अंदर रिपोर्ट देनी है, चाइना का फुटप्रिंट निकालो। ये 15-16 महीने निकल गए, फुटप्रिंट कहां से निकालोगे? लेकिन एजम्पशंस जितने हैं उसके बेसिस पे डॉक्टर जेंगली, जो बैट वेमेन के नाम से जाने जाते हैं, उनके सारे रिसर्च इस कोरोना वायरस के हैं, जिनकी सिमिलरिटी 96% सिमिलर है जो अभी कोरोना वायरस से हम लड़ रहे हैं। ये थ्योरी से लेते हुए, WHO सपोर्ट से लेते हुए, और सारा प्लान
कि कब किट निकालेंगे, कब वैक्सीन निकालेंगे, सारा प्लान को अगर सिक्वेंशियल जोड़ें तो इंटरनेशनल लॉ, हमारे एक्सपर्ट डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल लॉ हम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है एग्जीक्यूशन मेथड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।